Vande Matram, all the students, today we will continue the poem If. This poem is a message from Rudyard Kipling to his son. If you can dream, यहाँ रुडियार्ड किपलिंग अपने सन से कह रहे हैं कि यदि आपको स्वप्न देखने की आदत है, तुम स्वप्न देख सकते हो. एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन तुम्हारे को स्वप्नों को कभी भी अपना मालिक नहीं बनाना है, यानी स्वप्न को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. आप अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 मिनट के लिए देख रहे हो, उसको 2 घंटे के लिए हो जाओगे, अरे अच्छा स्वप्न आ रहा है, इसको और आगे बढ़ाए. तो कभी भी स्वप्न को अपना मालिक नहीं बनाना है. आपको क्या करना है, आपने जो ड्रीम देखा है उसके लिए आपको डू हार्ड वर्क टू अचीव द गोल. आपको कठिन परिश्रम करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. केवल स्वप्न पे ही आपको अपना जीवन यापन नहीं करना है. इफ यू कैन थिंक, यदि आप सोच सकते हो, सोचने की अगर आप में आदत है, हैबिट है. एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, आपको क्या नहीं करना है, आपका जो एम है, उद्देश्य, लक्ष्य, तो वो केवल थॉट्स को ही नहीं बनाओ, विचारों को ही. अच्छे विचार आते हैं तो इसका मतलब सोचने की एक आदत बना ली आपने. आपने जो सोचा है, आपने जो स्वप्न देखा है, उसको पूरा करने की आप कोशिश करो. इफ यू कैन मीट विथ ट्रायंफ एंड डिजास्टर, यदि आपका सामना हो, मुलाकात हो, किससे हो, ट्रायंफ एंड डिजास्टर. जीवन में दो ही चीजें होती है, या तो जीतना या हारना. तो ट्रायंफ कहते हैं विजय को और डिजास्टर कहते हैं फेलियर को, असफलता. तो अगर आपका सामना विजय और असफलता से हो, दोनों से, तो आपको क्या करना है, एंड ट्रीट, आपको इन दोनों चीजों के साथ व्यवहार जो करना है, दोज उन दोनों चीजों के साथ में, टू इम्पोस्टर्स. इम्पोस्टर्स का मतलब है डिसीवर्स, धोखेबाज. तो इन दोनों चीजों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, जस्ट द सेम, एक समान. यानी आपके व्यवहार के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए. जब आप खुशियों के अंदर हो तो भी एक समान रहें, और जब आप दुखों के अंदर रहो तो भी एक समान रहें. न तो खुशियों में ज्यादा आपको प्रसन्न होने की जरूरत है, और न ही ज्यादा दुख में आपको दुखी होने की जरूरत है. ऐसा अगर आप करोगे तो आपको दुखों में दुख ज्यादा नहीं लगेगा, और खुशियों में प्रसन्नता आपको बनी हुई रहेगी. इफ यू कैन बियर, यदि तुम सहन कर सको, किस चीज को सहन करना, टू हियर, सुनने को, द ट्रूथ, उस सच्चाई को, यू हैव स्पोकन, जिसको आपने बोला है. यानी आपने कोई सच्चाई बात बोली है और उस चीज को ट्विस्टेड किया गया है. ट्विस्टेड कहते हैं तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, बाई नेव्स. नेव्स कहते हैं रास्कल्स को, बदमाश. किसी ने, आपने तो सच बोला है, लेकिन किसी ने उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, तो आपको उसी चीज को भी सहन करना है. टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, अक्सर क्या करते हैं, इस प्रकार का जाल बिछाया जाता है, किसके लिए, फूल्स के लिए, मूर्ख के लिए. तो आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है. आपने जो बोला है, आपको अपनी बात पे कायम रहना है. किसी ने अगर आप उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है, तो भी आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है. और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ, जब आप चीजों को देखो, जिन चीजों के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, टू ब्रोकन, वो चीजें कैसे दिखाई दे आपको, टूटी फूटी. यानी आपने अत्यधिक परिश्रम किया है अपने जीवन के अंदर, और उन चीजों को अगर आपने निर्माण किया है, और वो चीजें कभी आपको टूटी हुई दिखाई दे, तो उस स्थिति में भी आपको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है. आपको क्या करना है, एंड स्टूप, वापिस झुकना है. एंड बिल्ड देम अप, उनका पुनः निर्माण करना है. बिल्ड मतलब बनाना, उन चीजों को पुनः आपको बनाना है. विद वर्न आउट टूल्स, वर्न आउट टूल्स का मतलब है हार्ड वर्क. आपको कठिन परिश्रम करना है,
और पुनः उन चीजों को बनाने के लिए तैयार हो जाना है। यानी ये नहीं कि वो टूट गई तो आप उसके लिए रोने के लिए बैठ जाओ, वो काम आपको नहीं करना है, आपको पुनः उनको बनाने के लिए परिश्रम करना है। ये मैसेज इस सेकंड पैराग्राफ के द्वारा कवि ने दिया है।